जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। लंदन में नून लीग की अहम मीटिंग्स के अंदर ये फैसला किया गया कि एस्टेब्लिशमेंट से टकराव का जो बयानिया है उसको लेके आगे नहीं चला जाएगा, उसको बिल्कुल अब हम साइड पे कर देंगे। और कुछ दिन पहले जो आप सुन रहे थे कि एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से नून लीग बयान दे रही थी गुज़िश्ता एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से कि जनाब जनरल बाजवा का एहतसाब होना चाहिए, जनरल फैज हमीद साहब का एहतसाब होना चाहिए, कुछ जज साहिबान का भी वो नाम ले रहे थे, लेकिन अब ये फैसला किया गया कि जनाब इस बयानिए को बिल्कुल हम पीछे छोड़ देंगे। ये फैसला क्यों किया गया वो असल खबर है, लेकिन थोड़ी सी मैं ये तफसीलात पहले आपको बताता हूँ, फिर हम उस तरफ भी आते हैं। अच्छा, ये खबर है सामने जी, जियो की खबर है। इसके मुताबिक लंदन में नून लीग की अहम मीटिंग्स, एस्टेब्लिशमेंट से टकराव की पॉलिसी और बयानिए से गुरेज का फैसला। अब ये क्यों ऐसा फैसला किया गया, अगर आप कुछ दिन पहले चले जाएं तो मियां साहब ने एक तकरीर की थी और उसके अंदर एहतसाब की बात की थी, फिर यहां पे भी उनके लीडरान इस किस्म की बातें करते रहे, इस किस्म के बयानात देते रहे। अब ये अचानक ऐसा क्या हुआ? देखें, मियां साहब ने तो वो बात कर दी, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज क्या है? जहां तक एस्टेब्लिशमेंट से टकराव की बात है, मियां साहब कोई मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट से टकराव की बात नहीं कर रहे। वो ये नहीं कह रहे कि खुदा ना खास्ता जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं उनके ऊपर वो कोई इल्जाम लगाएं या मौजूदा जो अस्करी क्यादत है उनके ऊपर वो कोई इल्जाम लगाएं। उन्होंने एक कैलकुलेटेड किस्म का बयानिया बनाया कि जो गुज़िश्ता एस्टेब्लिशमेंट है जो जा चुकी है, जो अब आगे से कोई जवाब नहीं दे सकते, जो रिटायर्ड हो चुके हैं उनको टारगेट किया जाए और उससे जो है कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया बनाने की कोशिश की जाए। जनरल बाजवा का नाम लिया, जनरल फैज का नाम लिया, जिसना पहले भी मैंने अर्ज की। अब अचानक ऐसा क्या हो गया है कि जनाब के इन्होंने ये बयानिया, इस बयानिए से वो हट रहे हैं, इसकी वजह क्या है? देखें, इसकी बहुत सारी वजूहत लोग आपको बता रहे हैं कि कहीं से उनको मैसेज गया कि जनाब ये ना करें, वो ना करें, ऐसे करेंगे तो मसाइल होंगे, वैसे करेंगे तो मसाइल होंगे। उस वो चीज़ें यकीनन हो सकती हैं, किसी की कोई खबर हो तो वो अपनी खबर का खुद जिम्मेदार है, लेकिन मेरा जो इस हवाले से मौकिफ है, जो मेरा इस हवाले से तजिया है वो ये है कि ये फैसला किया क्यों गया? ये फैसला इसलिए किया गया है कि इनकी जो ग्राउंड पे मकबूलियत है वो ना होने के बराबर है। जब आप किसी को टेक ऑन करते हैं, जब आप किसी के साथ टकराव करते हैं, तो फिर आपको पहले ये अंदाजा लगाना पड़ता है कि आपकी अपनी ताकत क्या है। इनको जो ग्राउंड रियलिटीज बताई गई हैं कि आपकी हालत तो ये है कि आप तो साद रिजवी से भी कम पॉपुलर हैं, आप तो शाह महमूद कुरैशी से भी कम पॉपुलर हैं, आप तो परवेज अलाई साहब के मुकाबले में भी इलेक्शन इस वक्त नहीं लड़ सकते, आप उनसे भी कम पॉपुलर हैं, सर्वे इस किस्म के आ रहे हैं। और गुज़िश्ता रात से एक वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुई हुई है जो बुनियादी वजह है इन लोगों के जो टकराव का बयानिया उससे हटने की, वो बुनियादी वजह, वो समझने की चीज है, वो मैं आपको बताता हूं। उस वीडियो के अंदर इनकी जमात का कोई लीडर मियां साहब के इस्तकबाल की बात कर रहे हैं, कोई मुकामी लीडर है, वो हल्का एन ए गालिबन 133 कह रहे हैं, फिर वो ये भी कह रहे हैं उसके नीचे दो पीपियां भी आती हैं, जो प्रोविंशियल असेंबली की दो सीट्स होती हैं उसको वो कह रहे हैं दो पीपियां भी नीचे आती हैं। तो उधर वो खिताब करते हुए कह रहे हैं कि मियां साहब के इस्तकबाल के लिए जो ज्यादा बंदे लेके आएगा उनको दो होंडा 125 मिलेंगे। जी हाँ जी, दो होंडा 125 मिलेंगे। जब आपकी सियासत होंडा 125 की मरहूने मिन्नत हो ना, तो फिर आप एस्टेब्लिशमेंट से टकराव का बयानिया नहीं बना सकते। तो ये आपकी ग्राउंड रियलिटी है, ये आपकी ग्राउंड पे सिचुएशन है कि बंदों को इस तरीके से काई किया जा रहा है कि मियां साहब के इस्तकबाल के लिए आप आएंगे, जो ज्यादा वहां पे ड्यूटी देगा उसको जनाब होंडा 125 हम देंगे। इसके ऊपर शोएब शाहीन साहब ने भी एक ट्वीट की भी है कि अगर चीजें इस नहज पे आ गई हैं तो फिर आप छोड़ दें। और हर बहुत सारी जगहों पे ये वीडियो आपको मिलेगी, बड़ी ये वायरल हुई भी ये वीडियो है। तो ये वो बुनियादी वजह है कि ये इस वक्त अफोर्ड ही नहीं कर सकते किसी किस्म की। इन्होंने तो बैसाखियों के बल पे आना है, इन्होंने तो बैसाखियों के बल पे सियासत करनी है। मियां साहब तो आएंगे तो आईन और कानून के मुताबिक तो वो जहाज से गिरफ्तार हो जाएंगे। कल एतजाज अहसन साहब ने भी इसी हवाले से गुफ्तगू की, वो भी ये कह रहे थे कि उनको तो आईन और कानून इस हवाले से बिल्कुल वाजे है, ना वो कोई जलसा कर सकते हैं, ना वो किसी जुलूस में जा सकते हैं, तो उनको वो तो फौरन गिरफ्तार हो जाएंगे। गिरफ्तार क्यों होंगे, उसकी आईनी और कानूनी वजूहत भी उन्होंने बताई कि जनाब वो सबको पता है कि सजा याफ्ता हैं और वो कितने दिनों के लिए गए थे, अदालत में क्या कह के गए थे, तो इस वजह से ये चीजें तो बिल्कुल वाज़ हैं। तो ये वो बुनियादी वजह है कि जिसकी वजह से इस वक्त वो टकराव की सियासत अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं, और उनको पता है कि हमने अपनी होंडा 125 के जरिए अपना निजाम चलाना है, अपनी सियासत चलानी है। पहले बिरयानी की प्लेटें होती थी, अब होंडा 125 की बातें की जा रही हैं, और ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे मकबूल लीडर आ रहा है। आप ये एक महीने से तैयारी कर रहे हैं ना, एक महीने से कह रहे हैं कि जनाब हमने 21 तारीख को वहां पे जाना है, जलसा करना है, होंडा 125 देने की बातें कर रहे हैं। ठीक है, पूरा महीना तैयारी लें, होंडा सिटी भी दें, होंडा 125 भी दें,
देखें वहां पे कितनी आवाम आती है। उसके बाद आप दूसरी तरफ जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ है, आप उनको 24 घंटे का टाइम दें और आवाम को कहें कि जनाब 24 घंटे के बाद इमरान खान साहब खिताब करेंगे मीनार पाकिस्तान पे, जिसने आना है वो आ जाए, जिसने नहीं आना वो ना आए, तो फिर आप देखेंगे कि लोग किस तरह आएंगे। अब ये नहीं है कि इस वक्त इमरान खान साहब बहुत मकबूल हैं तो आज से 5 साल बाद भी वो बहुत मकबूल होंगे, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि इस वक्त उनकी जमात और उनकी जो शख्सियत है वो ज्यादा मकबूल है, और नवाज शरीफ साहब की जो हालत है, उनकी जमात की जो हालत है, वो सबके सामने है कि होंडा 125 देने की बातें हो रही हैं और इस तरह की वीडियोज वायरल हो रही हैं। और फिर जो मौशी फ्रंट है, अब ये भी खबर में लिखा है, जो जियो की खबर है कि जी मईशत के ऊपर वो कॉन्सेंट्रेट करेंगे, जो मईशत का बयानिया उसको लेके आगे चलेंगे, तो उस बयानिए के अंदर है क्या, उसमें क्या है, 16 माह के दौरान क्या कुछ ऐसा हुआ जिसको जाके अवाम के सामने रखा जा सकता है और उसके नाम पे या उस चीज के ऊपर अवाम से वोट मांगा जा सकता है। देखिए अगर आप खबर के अंदर पढ़ें, जराए ने बताया कि एस्टेब्लिशमेंट से टकराव की पॉलिसी से गुरेज और पाकिस्तान के बड़े मसाइल के हल के लिए मिलकर चलने का फैसला किया गया है। और खबर में लिखा है कि जी जराए के मुताबिक मीटिंग्स में इतफाक किया गया है कि पार्टी मुस्तकबिल में मौशी एजेंडे पर फोकस करेगी और इंतकामी सियासत से गुरेज किया जाएगा। तो वो कौन सा मौशी एजेंडा है, ठीक है, जो आके अवाम के सामने रखा जाएगा, बोलूंगा क्या इसहाक डार साहब के पास कोई मौशी प्लान नहीं था, कोई मौशी एजेंडा नहीं था, मियां साहब ने उनको भेजा था, सारी टीम तो उनकी इधर ही थी 16 माह के दौरान। तो ये वो बुनियादी चीज है कि इस वक्त इनको पता है कि अवाम में हम पहले ही इतने गैर मकबूल हैं और इसी वजह से उनकी ये एक तरह से ख्वाहिश है कि जनाब तहरीके इंसाफ पे पाबंदी लगाई जाए, उनके ऊपर एंटी रियासत होने का या मुल्क मुखालिफ होने का इल्जाम जो है उसके तहत उनको किसी तरीके से सियासत से अलग किया जाए, उनको सियासत में हिस्सा लेने की जो है किसी किस्म की इजाजत ना दी जाए। और वो ये कहते थे ना कि जब तक ये जेल नहीं जाएगा, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगी, जब तक इतने मुकदमे नहीं होंगे, तो ये वो सारी चीजें हैं जिस चीज का उनको पहले भी इदराक था और अब हालिया दिनों में बिल्कुल बिल्कुल वाजे तौर पे पता चल गया, जो सर्वेस वगैरह हुए हैं कि हमारी क्या पोजीशन है और हमारी जमात की क्या पोजीशन है। तो इसी वजह से ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि जनाब ये किसी किस्म की टकराव की सियासत करें। टकराव की सियासत वो करता है जिसके पीछे अवाम का वोट होता है, जिसके पीछे अवाम की ताकत होती है। तो इस वक्त बड़ी वजह जो है ना, वो जो कहा जा रहा है कि जनाब अल्लाह पे मामला छोड़ दिए हैं, लोग कुछ लोग कह रहे हैं कि जेर तामीर इनका बयानिया है, रोज इनका बयानिया चेंज होता है, लेकिन एक जो इनकी गुड लक है, एक जो गुड लक है, मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं, आज फिर कहूंगा कि इनका जो सपोर्टर है, चाहे वो मीडिया में हो, चाहे वो स्ट्रीट पे हो, चाहे वो किसी और जगह पे हो, वो जनाब हर बदलते बयानिए के साथ ना बिल्कुल उसी शदोमत के साथ वो उसका दिफा भी कर रहा होता है और उसको बेहतरीन पॉलिसी करार दे रहा होता है। लेकिन ये खुशकिस्मती चेयरमैन तहरीक इंसाफ के लिए नहीं है, जिस दिन उन्होंने अपना बयानिया बदल दिया और जिस दिन उन्होंने जिस नहज पे वो अपने बयानिए को ले गए हैं, इदारों के साथ उनका जिस किस्म का रहा, जिस किस्म का एक तरह से हमने टकराव देखा, एक तरीके से उन्होंने तनकीद की, अब अचानक अगर वो अपना बयानिया बदल देंगे और बिल्कुल दूसरी तरफ चले जाएंगे तो मेरे ख्याल में उनका वोटर सपोर्टर बड़ी तादाद में उनको डिच कर देगा। अच्छा, एक और खबर आपके साथ शेयर करनी है, अजहर मेशवानी साहब ने इस हवाले से ट्वीट भी किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है, वो खुद भी काफी अरसा लापता रहे, आपको पता है कि फिर वो बाजियाब हुए थे। अब उनके जो भाई प्रोफेसर जहूर मेशवानी, जो 144 दिन से लापता थे, वो घर पहुंच गए हैं और उन्होंने इस हवाले से ट्वीट की और उन्होंने कहा कि तमाम लोगों की दुआओं और सपोर्ट का शुक्रिया। इससे पहले हमने देखा कि इमरान रियाज खान साहब भी बाजियाब हो गए हैं, अब अजहर मेशवानी साहब के जो भाई हैं वो भी अपने घर पहुंच गए, तो ये एक अच्छी खबर है उनके खानदान के लिए, उनको और उनके खानदान को बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा, आखिर में जो बड़ी इंपॉर्टेंट खबर मैंने आपके साथ शेयर करनी है, वो एक्सप्रेस न्यूज ने रिपोर्ट की है, दाखिली मौशी अमूर पर फैसला साजी का इख्तियार भी SIFC के हवाले। वो जो स्पेशल एक फैसिलिटेशन काउंसिल बनाई थी पिछली हुकूमत ने, जिसमें फौज की क्यादत भी है, सिविलियन क्यादत भी है, और मुल्क के मौशी हालात को बेहतर करने के लिए बनाई गई थी वो काउंसिल, और ऑब्वियसली बहुत सारे मसाइल हैं, रेड टेप है, ब्यूरोक्रेसी फंसा देती है चीजों को, तो चीजों को फास्ट ट्रैक करने के लिए, बैरूनी सरमायाकारी पाकिस्तान में लाने के लिए ये काउंसिल बनाई गई। अच्छा, अब इसके हवाले से ये खबरें सामने आ रही हैं, एक्सप्रेस न्यूज ये रिपोर्ट कर रहा है कि अब जो दाखिली मौशी जो अमूर हैं उनका फैसला भी यही काउंसिल करेगी। ये कुछ थोड़ा सा मैं आपको पढ़ के भी सुनाना चाहता हूं, ये खबर जो रिपोर्ट हो रही है उसमें कहा गया है कि जी SIFC की एग्जेक्टिव कमेटी के 5वें इजलास का एजेंडा गैर मुल्की सरमायाकारों को मुआवनत फराहम करने तक महदूद नहीं था,
बल्कि इस इजलास में दाखिली मामलात भी जेर बहस आए, जिससे जाहिर होता है कि SIFC का मैंडेट अब सिर्फ गैर मुल्की सरमायाकारों की मावनत तक महदूद नहीं है। जी हाँ जी, अब इस की जो इजलास हुआ उसमें जो मामलात जेर बहस आए उससे ये चीज जाहिर होती है कि जो दाखिली मामलात हैं, जो दाखिली मौशी मामलात हैं, उनके ऊपर भी अब ये कौंसल नजर रख रही है, उनके हवाले से भी फैसले कर रही है। एक्सप्रेस न्यूज की खबर में आगे रिपोर्ट किया गया है कि सिविल मिलिट्री लीडरशिप का हामिल ये फोरम अब वजारतों की कारकर्दगी, सरमायाकारों और हुकूमती इदारों के दरमियान तनाजात का तस्फिया, मुख्तलिफ सेक्टर्स को गैस की अलॉटमेंट, मुख्तलिफ शहरों में वाटर सप्लाई की स्कीमों, गर्दिशी कर्जों का बंदोबस्त और ऑयल स्मगलिंग को रोकने का भी इख्तियार अब इस फोरम के पास है। अच्छा, इस हवाले से यह भी बताया गया कि एक सीनियर पाकिस्तानी हुकाम ने नाम ना जाहिर करने की शर्त पर बताया कि कराची और लाहौर में आर्मी चीफ की जो मुकामी सरमायाकारों से हालिया मुलाकातें हुई थी उसमें ताजरों ने उनको बताया था कि जब तक मौशी तौर पर मुकामी सतह पर जो आपका मामलात हैं उनको बेहतर नहीं किया जाएगा तो बैरूनी जो सरमायाकारी है वो नहीं आ सकती, तो लिहाजा इसके ऊपर भी तवज्जो दी जाए। और उसके बाद ये फिर फैसला किया गया है कि जो मुकामी मौशी मामलात हैं उनके ऊपर भी ये कौंसिल तवज्जो देगी। एक और ऑफिशियल का कहना था कि जी जब तक मुकामी सरमायाकार मुतमिन नहीं होगा तब तक बाहर से कोई बड़ी सरमायाकारी आना जो है वो मुमकिन नहीं हो सकेगा उसका। SIFC का बढ़ता हुआ दायराकार सिविल हुकूमत के इख्तियारात को मसदूद कर रहा है। ज़राए के मुताबिक एक सूबे के चीफ सेक्रेटरी ने इस पर एतराज भी किया है। अच्छा, अब ये कौंसल है जो पिछली हुकूमत बना के गई थी, वो जो टकराव के बयानिए वाले जो आप कह रहे हैं हमने जो है टकराव का बयानिए तर्क कर दिया कि इमरान खान के दौर में हर चीज पे ये इतराज करते थे कि जनाब यहाँ पे फौज का किरदार क्यों है, वहां पे फौज का किरदार क्यों है, लेकिन इनके अपने बयानिए का तजाद इस ये जो कौंसल इन्होंने बनाई इससे खुद जाहिर होता है। और अब जो है इसके ऊपर एक चीफ सेक्रेटरी ने एक इतराज वगैरह भी किया कि सिविलियन जो हुकूमत है उसके इख्तियारात जो है मसदूद हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, रुक रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर इन लोगों को कोई इतराज नहीं, ना ही इसके ऊपर ये हाइब्रिड कहेंगे ना कुछ और कहेंगे। बाकी जिस तरह मैंने पहले अर्ज की कि 16 महीनों के दौरान भी बहुत सारी बेहतरी लाई जा सकती थी, उस दौरान तो शहबाज हुकूमत और जरदारी हुकूमत ने कोई फार्मूला कौम को नहीं दिया। अब जो है कुछ चीजों में बेहतरी आई है, डॉलर नीचे आया है, पेट्रोल की कीमत में भी कमी आई है जो अच्छी बात है, लेकिन निगरान हुकूमत ने पहले जितना पेट्रोल बढ़ाया उसकी भी कोई नजीर नहीं मिलती। पर अच्छी चीज ये है कि अब ये इसको ना हाइब्रिड निजाम कहते हैं ना इसके ऊपर ये तनकीद करते हैं, तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि इनके बयानियों में कितना ज्यादा तजाद है। तो वो जो एक टर्म बनाई गई है ना कि जेरे तामीर बयानिया, तो अब ये इनका ये जो बयानिया है ये जेरे तामीर है, ये कहां पे जाके रुकेगा, कहां पे अगले दिन या चार हफ्तों के बाद या दो हफ्तों के बाद ये बयानिया किधर होगा वो तो उसी वक्त पता चलेगा, लेकिन ये जेरे तामीर बयानिया है, इसको आप यू टर्न नहीं कह सकते। अगर कोई आपको ये कहे कि ये यू टर्न है तो ये यू टर्न नहीं, वो जो यू टर्न है वो मखसूस और महदूद है सिर्फ एक शख्सियत तक। अगर उनकी थोड़ी सी भी बात में कहीं पर भी किसी किस्म की भी ऐसा शायबा भी मिले कि शायद ये पिछली बात से थोड़ी सी मुख्तलिफ है तो वो यू टर्न होता है, ये यू टर्न नहीं है इनका, ये जो है ना जेरे तामीर बयानी है। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।